हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नए वीडियो हर रोज़ मिलते रहे। Hi friends, I am Praveen Bulke and today we will discuss one more test to check the nature of the series, and that test name as a Rabbit's test. So first of all, we see how we decide the nature of the series by using Rabbit test. So again, you have to give a sequence, that is summation of un is a sequence of positive term, and the condition is given by this. So if this condition gives the value of k, that is limit of n un upon n plus 1 minus 1 n tends to infinity equal to k. अभी यहाँ पे आप ध्यान पे रखेंगे तो ये जो टर्म है, यहाँ पे आपको जो टर्म दिख रही है यू एन अपॉन यू प्लस वन इज अ रेसिप्रोकल ऑफ दैट टर्म विच इज यूज इन रेशो टेस्ट. रेशो टेस्ट में जो टर्म हम यूज कर रहे हैं उसका ये क्या है, रेसिप्रोकल है. मतलब वहां से आपको लेना है ये टर्म, इसमें से वन माइनस करना है और उसको एन से मल्टीप्लाई करना है इक्वल टू के. तो ये रेशो टेस्ट अगर आपने देखी होंगी तो वहां पे क्या है, के इज लेस देन वन तो कॉन्वर्जन, ग्रेटर देन वन तो डाइवर्जन, इक्वल टू वन तो फेल. लेकिन ये उसका रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पे जो केसेस है ना वो भी रिवर्स हो जाएगी. मतलब रेशो टेस्ट में के इज लेस देन वन के लिए क्या होगा, कॉन्वर्जेंट, तो यहाँ पे डाइवर्जेंट होगा. वहां पे k इज इक्वल टू वन के लिए डाइवर्जेंट था तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्वर्जेंट होगा k इज इक्वल टू वन के लिए. और k इज इक्वल टू वन के लिए तो ये टेस्ट फेल ही होगी. अभी प्रॉब्लम ये है कि ये टेस्ट कब यूज करना है. तो इजीली आप ये पता कर सकते हैं कि ये टेस्ट कब यूज करना है. आपको इस सीरीज के प्रॉब्लम में रेशो टेस्ट पहले लगाना ही है. और अगर रेशो टेस्ट से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, मतलब वो टेस्ट फेल हो जाएगी, रेशो टेस्ट जब k इक्वल टू वन मिलेगा, तो वो प्रॉब्लम हमको रैबिट्स टेस्ट से सॉल्व करना है. तो रैबिट्स टेस्ट हमको तभी यूज करना है जब रेशियो टेस्ट क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी. तो रैबिट्स टेस्ट इज अप्लाइड ओनली व्हेन डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल, ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, तो बाय यूजिंग दिस टेस्ट वी ट्राई टू सॉल्व सम एग्जाम्पल. सो वी टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल, टेस्ट द कॉन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1 बाय 2 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 4 प्लस 1 into 3 into 5 upon 2 into 4 into 6 plus up to so on. The actually this is the given series and we have to check the nature of that series. Now to check the nature of the series, we need a series in nth form. Means we have to first discover its nth term so that we can apply the operations of respect to test and we get the nature of the given series. So first we try to write down this series in n form, that is in terms of n. So given series is 1 upon 2 plus 1 upon 3 into 2 upon 4 plus 1 into 3 into 5 upon 2 into 4 into 6 up to so on. So actually if you observe that next term contain the term of previous plus वन extra term. यहाँ पे आप देखेंगे, देखो यहाँ पे पहले टर्म में वन है तो यहाँ पे वन इंटू थ्री आ गया, फिर यहाँ पे वन इंटू थ्री आ गया, यहाँ पर फाइव आ गया, फिर वन इंटू थ्री इंटू फाइव आएगा, फिर सेवन आएगा. मतलब पहले टर्म तो आ रहे हैं मल्टीप्लीकेशन में और एक टर्म हमारी उससे ग्रेटर आ रही है. तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सब ऑड टर्म है ऊपर के. तो अगर सपोज हमारे पास n की वैल्यू है, हमारे पास n है ऑड, बराबर, और हमको ऑड टर्म चाहिए तो ट्वाइस n क्या हो जाएगा, ट्वाइस n हो जाएगा इवन, बराबर, ट्वाइस n हो जाएगा इवन. लेकिन ट्वाइस n माइनस वन क्या हो जाएगा, ये हमेशा क्या रहेगा हमारा, ये रहेगा ऑड. देखिए यहाँ पे हमको ध्यान में क्या रखना है कि अगर यन ऑड है तो ट्वाइस एन इवन हो जाएगा. मतलब यन इज इक्वल टू सपोज वन है, थ्री है, तो ट्वाइस एन कितना हो जाएगा, ट्वाइस एन टू सिक्स हो जाएगा, टू हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा. मतलब ये हमेशा क्या रह जाएगा, इवन रह जाएंगे.
तो ट्वाइस एन माइनस वन क्या मिलेगा हमको, ऑड मिलेगा। और सपोज यन अगर ऑड है, सपोज वी टेक यन इज ऑड, बराबर, तो ट्वाइस एन कितना हो जाएगा, ट्वाइस एन तभी भी इवन रहेगा। यहाँ पे देखा मैंने 1 3 5, ये ऑड नंबर है, इसको डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इवन ही हो जाएगा। लेकिन इवन में से अगर वन माइनस कर दिया तो हमको क्या मिलेगा, ऑड ही मिलेगा। तो हमको ऑड ही मिलना चाहिए, इवन एन इवन हो या एन ऑड हो। तो ऐसी कब कंडीशन बनेगी, जब आप इवन नंबर का डबल करेंगे तो आपको इवन मिलेगा, ऑड नंबर का डबल करेंगे तो भी आपको इवन मिलेगा, लेकिन दोनों में से अगर एक वन माइनस करेंगे तो हमको हमेशा क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, टू एन माइनस वन। और टू एन माइनस इसके हिसाब से आप अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखो एन इज इक्वल टू, मैं वन पुट करता हूँ तो यहाँ पे वन मिलेगा, एन इज इक्वल टू टू पुट करता हूँ तो यहाँ पे थ्री मिलेगी, लास्ट टर्म यहाँ पे थ्री पुट करते हैं तो यहाँ पे फाइव मिलेगा, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। अभी नीचे की टर्म तो हमारी इजी है, ऊपर ऑड टर्म थी, नीचे है इवन टर्म, और इससे एक ग्रेटर है हर बार, तो 1 2 4 6 वैसे कंटिन्यू चलता जाएगा। और यहाँ पे लास्ट टर्म जो है उससे एक टर्म ग्रेटर है, तो हमारे पास 2n-1 है, तो इससे एक ग्रेटर, तो 2n-1+1 दैट इज 2n। तो ये जो है ये हमारा होगा यू एन। अभी इसको लेके हम इसको सॉल्व करेंगे कि इसका क्या होगा। सो लेट कंसिडर यू एन इक्वल टू दिस टू, अभी यू एन प्लस वन निकालना है तो 1 3 5, 2n-1 यहाँ तक आ जाएगा, 2n+1 ये कहाँ से आ गया। सो देखो यहाँ पे जो टर्म है ये 2n-1 के पहले कौन सी, ये 2n-1 जो है इसके पहले टर्म कौन सी रहेंगी, 2n-3, बराबर। देखो यहाँ पे क्या हो रहा, हर एक टर्म पहले टर्म से प्लस टू में है, मतलब अगर पहले टर्म में प्लस टू मिलेंगे आप तो क्या आएगा आपको, नेक्स्ट टर्म मिलेगी, मतलब इसके पहले की टर्म क्या है, माइनस टू में है, तो 2n-1-2 कितना होगा, 2n-3, ठीक है। और वैसे यहाँ पे जो है 2 4 6, ये दो 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 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे है 2n, तो इसके पहले की टर्म कौन सी रहेंगी, इसके पहले की रहेंगी 2n-2, इसके पहले की, यहाँ पे लिखता हूँ इसके पहले की टर्म 2n-2। तो अगर हम n को n+1 से रिप्लेस करेंगे तो 1 3 × 5 तो आएगा, और 2n-3 को अगर मैं n+1 से रिप्लेस करता हूँ तो ये आएगा 2n+2-3, मतलब ये मिलेगा आपको 2n+1, ये यहाँ 2n-1। और इसको अगर हम n+1 से रिप्लेस करते तो ये 2n+1 आ जाएगा, मतलब ये यहाँ पे मिल गया। वैसे ही इसके पहले के टर्म है 2n-1 2n-2, इसको n से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, 2n+2-2, मतलब ये मिल जाएगा आपको 2n। और यहाँ पे n इक्वल टू n+1 रिप्लेस करेंगे तो 2n+2 मिल जाएगा, मतलब। और अगर आपको वैसे भी ध्यान में नहीं आता है तो क्या करना है, यू एन प्लस वन में यू एन के तो सभी टर्म आएंगे, मतलब ये सभी टर्म आपको यहाँ पे मिल गए, इसके सभी टर्म को आना ही है यू एन एन के, और एक टर्म एक्स्ट्रा आएगी। तो एक टर्म एक्स्ट्रा मतलब क्या है, दो दो के डिफरेंस से है, तो इसमें अगर दो मिलाएंगे आप तो 2n+1 मिल जाएगा, और इसमें दो मिलाएंगे तो 2n+2 मिल जाएगा, मतलब ए टर्म क्या मिल जाएगी आपको, एक्स्ट्रा मिल गई। तो ये आ गया यू एन। बाद में हम क्या निकालेंगे फिर, अभी देखो अभी हमारे पास टेस्ट कौन सी है, कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट में क्या लिखना है आपको, ऊपर के टर्म का पावर नीचे के टर्म के पावर से कम चाहिए, लेकिन यहाँ पे नियर अबाउट सेम ही टर्म दिख रही है आपको, सभी में एन का पावर, आप हर टर्म में देखो एन का पावर वन ही है, तो कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई नहीं होगी। बाद में रूट टेस्ट, रेस्क्यू द पावर 1/(r)) कम से कम एन चाहिए, वो भी पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, तो उसको भी हम स्किप कर देंगे। बाद में हमको रेशियो टेस्ट अप्लाई करना है, तो रेशियो टेस्ट हम देखेंगे। सो रेशियो टेस्ट से क्या होगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन प्लस वन अपॉन यू एन, फिर यू एन प्लस वन की वैल्यू आपके पास है, यू एन की वैल्यू आपके पास है, तो यहाँ से देखेंगे तो 1 3 5 2n-1 ये पूरा कैंसिल हो गया, और 2 4 6 2n ये भी पूरा कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग टर्म कौन सी रहेंगी सिर्फ 2n+1/(2n+2), ये टर्म आपको मिलेगी सिर्फ, तो ये टर्म मिल गया हमको 2n+1/(2n+2). अभी यहाँ से n कॉमन निकालेंगे और यहाँ से n कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से n कॉमन निकालने के बाद क्या होगा, 2+1/(n), और यहाँ से निकालेंगे तो 2+2/(n), तो वही हमने लिखा इसके नेक्स्ट स्टेप में। देखो यहाँ से n कॉमन निकाला,
तो टू प्लस वन अपॉन एन, और यहाँ से एन कॉमन निकला तो टू प्लस वन अपॉन एन, अगेन दिस एन लेट एंसर। ओके सो यहाँ पे आपको ये टर्म मिल जाएगी, और एन टेंस टू इन्फिनिटी तो ये वन अपॉन इन्फिनिटी, वन अपॉन इन्फिनिटी तो वन अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है जीरो, वन अपॉन इन्फिनिटी अगेन जीरो, टू बाई टू कैंसल मतलब वन बच जाएगा, तो आंसर आ गया आपका वन। तो रेशियो टेस्ट क्या डिनोट करती, जो आंसर आएगा वो अगर के से लेस है तो के, जो आंसर वन से लेस है तो कॉन्वर्जन, वन से ग्रेटर है तो डाइवर्जन, और इक्वल टू वन है तो फेल। तो यहाँ पे इक्वल टू आ गया इसलिए डी एल एम बट रेशियो टेस्ट क्या हो गई फेल। और हम मैंने पहले भी आपको बताया है कि राबेस केस आपको तभी यूज करना है जब डी एल एम बट रेशियो टेस्ट क्या हो जाएगी फेल हो जाएगी। तो हम जाएंगे फिर अब राबेस केस में, तो राबेस केस के लिए कौन से वैल्यू निकलना है आपको, जो हमने प्रोसीजर में देखा था वो ए वैल्यू थी, जो आपने निकाला है यू एन प्लस वन अपॉन यू एन, इसका अपोजिट रिवर्स रेसिप्रोकल तो ई मिल जाएगा, उसमें से वन माइनस करना है और इसको एन से मल्टीप्लाई करना है। तो यू एन प्लस वन अपॉन यू एन की सिंप्लीफाई वैल्यू कौन सी है, जो आपने लास्ट स्टेप में निकाला है, देखो यहाँ पे यू एन प्लस वन अपॉन यू एन की वैल्यू टू एन प्लस वन अपॉन टू एन प्लस टू, ये इसकी वैल्यू यू एन प्लस वन अपॉन यू एन, तो इसका रेसिप्रोकल चाहिए हमको, तो ये हो जाएगा टू एन प्लस टू अपॉन टू एन प्लस वन। तो यहाँ पे आ गया टू एन प्लस टू अपॉन टू एन प्लस वन माइनस वन, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, टू एन प्लस टू और माइनस टू एन माइनस वन हो जाएगा टू एन प्लस वन, तो यहाँ पे टू एन कैंसिल, यहाँ पे बचेगा सॉरी हाँ सॉरी टू एन कैंसिल, और टू माइनस वन इज वन, वन इन टू एन एन अपॉन टू एन प्लस वन, और इसका लेना है हमको लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो लिमिट लेने के बाद यहाँ से एन हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे एक टर्म बचेगी एन एन गेट कैंसिल, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा टू वन अपॉन टू वन प्लस इन्फिनिटी, तो ये मिल जाएगा आपको वन अपॉन टू हाफ, और वन अपॉन टू क्या है लेस देन वन है, और अगर के की वैल्यू लेस देन वन है तो सीरीज कॉन्वर्जेंट रहेगी, लेकिन किस में डी एल एम बट रेशियो टेस्ट में, लेकिन यहाँ पे आपने उसका रेसिप्रोकल की टर्म दे दी तो कंडीशन भी क्या हो जाएंगे रिवर्स हो जाएंगे, तो ये के इज लेस देन वन है तो ये सीरीज क्या हो जाएगी फिर ये डाइवर्जेंट हो जाएगी, सो देयरफॉर द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो इसमें क्या करना है, पुराने प्रॉब्लम जैसे ही करना है हमको कैलकुलेशन, सिर्फ अगर रेशियो टेस्ट अगर फेल होती है प्रॉब्लम में तो हमको हमको राबेस टेस्ट अप्लाई करना है, मतलब इस प्रॉब्लम में राबेस टेस्ट के प्रॉब्लम में रेशियो टेस्ट तो आपको चेक करनी है, तो उसका आंसर वन आना चाहिए, वन आ गया मतलब वो फेल हो गई, तो हम उसके बाद डायरेक्ट क्या करेंगे राबेस टेस्ट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको करके एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फाइंड द नेचर ऑफ द सीरीज। तो यहाँ पे यू एन की वैल्यू ले ली हमने, अभी कंपैरिजन टेस्ट क्यों नहीं लगाना है, वही कंसेप्ट है एन फैक्टोरियल है इसलिए कंपैरिजन नहीं आएगा, रेस्क्यू द पावर एन चाहिए हमको, इसका पावर तो एन है लेकिन इसके पावर में एन नहीं है, तो रूट टेस्ट भी नहीं, रूट टेस्ट भी अप्लाई नहीं होगी, इसके लिए थर्ड टेस्ट कौन सी हमारे रेशियो टेस्ट, तो हमको रेशियो टेस्ट अप्लाई करना है, तो इसको यू एन कंसिडर किया हमने। ठीक है, तो यू एन प्लस वन ये बन जाएगा, एन की जगह पे एन प्लस वन, तो एन फैक्टोरियल है तो एन प्लस वन फैक्टोरियल, इसका स्क्वायर हो जाएगा ये टू एन प्लस वन मतलब टू एन प्लस टू फैक्टोरियल हो जाएगा, और ये एक्स रेस टू द पावर एन प्लस वन हो जाएगा। तो पहले यू एन प्लस वन अपॉन यू एन की वैल्यू निकालना है हमको, तो यू एन प्लस वन की वैल्यू ये है हमारे पास, ये हमने पुट कर दी और ये यहाँ पे पुट कर दिया, इसको पुट करने के बाद क्या क्या रहेगा वो देख लेना सिर्फ। तो यहाँ पर एन प्लस वन फैक्टोरियल का स्क्वायर है, एन प्लस वन फैक्टोरियल का स्क्वायर, और एन प्लस वन फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं हम, एन प्लस वन फैक्टोरियल कैन बी रिटर्न एज, क्या करना है उससे वही वैल्यूज एन प्लस वन और उससे एक कम मतलब एन फैक्टोरियल, जैसे कि मैंने बोला था आपको फोर फैक्टोरियल मतलब क्या है, फोर फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, मतलब ये फोर और थ्री इंटू टू इंटू वन मतलब क्या लिख सकते हैं हम उसको थ्री फैक्टोरियल, तो वही वैल्यू और उससे एक कम करके फैक्टोरियल, तो वैसे यहाँ पर वही वैल्यू एन प्लस वन और एक करके फैक्टोरियल दैट इज एन फैक्टोरियल, उसका स्क्वायर रहेगा, नीचे टू एन प्लस टू का फैक्टोरियल है, देखो यहाँ से एक्स रेस टू द पावर एन, यहाँ से एक्स रेस टू द पावर एन कैंसिल हो गया,
मतलब ऊपर सिर्फ एक्स बचेगा, तो यहाँ पे एक्स लिया हमने, और ये टर्म डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में तो ये ऊपर चली जाएगी, तो ऊपर जाएगा तो ये 2n फैक्टोरियल रहेगा, और नीचे जाएगा तो n फैक्टोरियल का स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे n फैक्टोरियल का स्क्वायर है और यहाँ पर भी n फैक्टोरियल का स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो गया। अरे अगेन वही कंसेप्ट यूज करके 2n+2 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2n+2, 2n+1, मतलब एक एक वैल्यू कम होती जाएंगे, तो पहले 2n+2 आएगा, फिर 2n+1 आएगा, फिर 2n आएगा, लेकिन 2n का फैक्टोरियल यहाँ पे है तो हम वहाँ पे उसको n कर देंगे, तो 2n फैक्टोरियल बन जाएगा। तो यहाँ से भी 2n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचा n प्लस वन का स्क्वायर, नीचे है 2n+2 एंड 2n+1 और इनटू है x। देखिए अभी यहाँ से n कॉमन निकालेंगे तो ये n स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से n और यहाँ से n कॉमन निकालेंगे तो वो भी n स्क्वायर हो जाएगा, तो n स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ये टर्म है हमारे पास, यहाँ से n कॉमन निकाला, n स्क्वायर हो जाएगा, ये आया, यहाँ से n तो 2+2/n, यहाँ से n 2+1/n, तो दिस n एंड दिस n स्क्वायर कैंसिल, सो रिमेनिंग टर्म इज गिवन बाय दिस, n इक्वल टू n फैक्टर, n टेंस टू इन्फिनिटी, 1/∞ जीरो हो जाएगा, 1/∞ जीरो हो जाएगा, 1/∞ जीरो हो जाएगा, तो ऊपर तो वन बचेगा और नीचे ये 2 × 2 = 4 हो जाएगा, तो आपको मिला x/4। अभी x से नंबर है, उसकी वैल्यूज हमको पता नहीं है, तो सभी जो है रिजल्ट वो x पे डिपेंड करेंगे। सो बाय रेशियो टेस्ट, रेशियो टेस्ट कन्वर्जेंस कब होती है, जब ये वैल्यू लेस देन 1 होगी, मतलब रेशियो टेस्ट यू एन इज कन्वर्जेंस इज x/4 इज लेस देन 1, दोनों साइड से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 4 कैंसिल और यहाँ पे 4, तो x इज लेस देन 4 आता है। डाइवर्जेंस कब होगी, जब ये ग्रेटर देन 1 रहेगा, ग्रेटर देन 1 रहेगा, अगेन मल्टीप्लाई कर दिया तो x इज ग्रेटर देन 4 हो गया, लेकिन x इक्वल टू 4 भी हो सकता है, 4 होगा तो 4/4 क्या हो जाएगा, 1, और 1 है मतलब क्या होगा, सीरीज के बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि रेशियो टेस्ट फेल हो गई। सो व्हेन एक्स इक्वल टू 4 द रेशियो टेस्ट इज फेल, तो फेल है तो हमको चेक तो करना ही है, उसको वैसे नहीं छोड़ना है। तो रेशियो टेस्ट फेल होने के बाद क्या यूज करना है हमको, हमको यूज करना है रैबिट्स टेस्ट। तो एक्स इक्वल टू 4 के लिए हम अभी रैबिट्स टेस्ट के लिए हमको ये वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू आपके पास है, कहाँ पे देखेंगे हम, सिंप्लीफाई वो हम कहाँ पे है उसका, un+1/un, देखिए un+1/un इसको सॉल्व करके हमको ये टर्म मिली थी, n+1² 2n+2 2n+1 बराबर है, इनटू x था, लेकिन x की जगह क्या रखना है, 4, तो x की जगह पे मैंने 4 रख दिया। अभी रैबिट्स टेस्ट में क्या करना है, इसको आपको अपोजिट करना है, रिवर्स करना है या रेसिप्रोकल करना है, उसमें से 1 माइनस करना है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, ये टर्म ऊपर चली जाएगी और ये पूरी टर्म नीचे आ जाएगी, इसको रिवर्स करेंगे तो यहाँ पर वैसे करेंगे, इसका रिवर्स कर दिया, -1 × n, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 2n 2n 4n² ये 2n+4n 2n 4n+2 और ये इधर चला जाएगा, तो ये माइनस ये पूरी टर्म आ जाएगी 4 और a+b² क्या है, a² + 2ac b+b² कैंसिल करके देखो, देखो यहाँ पे 4n² और यहाँ पे -4n² कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2+4 6 और ये 8, मतलब यहाँ पे -2n बच जाएगा और यहाँ पे +2 है और यहाँ पर -2 है, तो यहाँ पे भी -2 बन जाएगा नीचे की टर्म एज इट इज। यहाँ से 2 कॉमन लेकर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा माइनस कॉमन ये n ऊपर का एज इट इज और यहाँ पर बचेगा n+1 और 2 कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा, यहाँ पे 2 आएगा तो 2n+1² अभी देखिए यहाँ से n कॉमन निकाल सकते हैं, सॉरी n+1 का एक ब्रैकेट डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा माइनस n 2/(n+1). अभी इसके लिए लेना है हमको लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो लिमिट लेने के बाद यहाँ से हम n कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से मैंने n कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचेगा 1+1/n, दिस 1 n एंड दिस n कैंसिल और ये 1/∞ कितना हो जाएगा, 0, तो आंसर मिलेगा आपको -1/2 और -1/2 क्या है, लेस देन 1 है और के लेस देन 1 है तो क्या होगा, कॉन्वर्जेंट, लेकिन कहाँ पर, रेशियो टेस्ट में, तो यहाँ पर क्या होगा, रैबिट्स टेस्ट में डाइवर्जन, सो यूएन इज डाइवर्जन बाय रैबिट्स टेस्ट। तो हमको क्या मिला फिर, 2 बार डाइवर्जन मिला और 1 बार कॉन्वर्जेंट मिला, तो हम वो समराइज कर देंगे।
तो कॉन्वर्जेंट कब है? जब x इज लेस देन 4 है, हमने वहां पे देखा है कि x इज लेस देन 4 है तो कॉन्वर्जेंट होगा। डाइवर्जेंट कब होगा? जब x ग्रेटर देन 4 होगा, और x इक्वल टू 4 के लिए भी क्या है? डाइवर्जेंट। तो कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो इस तरफ से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन रैबिट्स टेस्ट में हमको ये ध्यान में रखना है, तो पहले हमको रेशियो टेस्ट तो अप्लाई करना ही है। अगर वो केस फेल होती है, मतलब उस टर्म का आंसर 1 आता है, तो भी हमको क्या करना है? रैबिट्स टेस्ट अप्लाई करना है। एक कुछ एग्जांपल है एक्सरसाइज के लिए, बाय यूजिंग रैबिट्स टेस्ट, मतलब रेशियो टेस्ट पहले यूज ही करेंगे हम, उसमें ये सॉल्व करना है आपको। पहला आंसर डाइवर्जेंट आएगा और दूसरे के लिए कॉन्वर्जेंट, मतलब दूसरा एग्जाम्पल सेम वैसा ही जैसा हमने अभी लिया है, और पहला एग्जाम्पल ऐसा है जैसा हमने पहले एग्जाम्पल लिया है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये ट्राई करके देख लेना आप। सो यहाँ पे रैबिट्स टेस्ट का जो टॉपिक है, यहाँ पे हम इसको एंड कर देंगे। अगर कुछ डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सो इसके बाद एक ही टॉपिक बचा है इस यूनिट का हमारा, जो है रेंज ऑफ कन्वर्जेंस। तो अगले लेक्चर में वो कवर करके इसको एंड कर देंगे हम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।